ये बिल्कुल जो स्टूडेंट्स का टाइम ऑफ वेस्ट भी है, साथ में एनर्जी वेस्टेज भी है, क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ एक ही एग्जाम पे फोकस नहीं करते हैं, उनके पास बहुत बिल्कुल प्रीशियस टाइम है, टाइम और मनी वेस्टिंग भी है, मेनली ब्रीच ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ऑफ ट्रस्ट भी है साथ में, क्यों, क्योंकि हम ओनली गवर्नमेंट के सिस्टम पे ही पूरा ट्रस्ट करके फर्दर होप के साथ एग्जाम दे के आते हैं। एकदम अपने बात से भटक चुकी हूँ। ये जो पेपर लीक हो रहे हैं इससे मुझे, एक तो मैं बैकवर्ड होती जा रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अगर आगे मेरे साथ ऐसा हो गया तो मेरे ईयर के ईयर वेस्ट होते जाएंगे। मैं डिप्रेशन, मतलब अभी से ही ऐसा डिप्रेशन वाला माहौल होता जा रहा है मेरे लिए कि डर लग रहा है मैं क्या करूँगी आगे। पहली मांग हमारी है कि जिस तरह से मैसिव फ्रॉड रिपोर्ट किया गया है, जहां पे पेपर लीक की रिपोर्ट्स आ रही हैं और पेपर डिस्ट्रीब्यूट करवाए गए, एक दिन पहले पेपर बैठा के रटाए गए लोगों को, उसके तहत जो है एनटीए रिजल्ट्स को इनको निरस्त करे और उसके बाद एक रीनीट एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी करे। धर्मेंद्र प्रधान से मांग है वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए पहले तो इस्तीफा दें। हमारे तीन साथी मेमोरेंडम देने गए हैं, वो हम लोगों ने साफ साफ इसी डिमांड को उस मेमोरेंडम में रखा है कि मंत्री जी इस बात को सुनिए, क्योंकि आज पूरे देश भर में, सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश के लगभग शहरों में हमारा ये प्रोटेस्ट हो रहा है और हर जगह से हम लोग मिनिस्ट्री को मेमोरेंडम भेज रहे हैं यही बात के साथ कि आप स्क्रैप करिए एनटीए को और नीट में फिर से एग्जाम करिए। सर पेपर अच्छा हुआ था, पेपर हम लोग मैंने पढ़े थे, लगा था कि पेपर आसान आया है, बढ़िया पेपर हुआ था। अब तकलीफ तो यही है कि अचानक पता चला कि कुछ पता भी नहीं चला था पेपर आउट, जैसे एक माहौल होता है पेपर आउट हुआ है या पता चलता है आदमी को तो लोग सोचते हैं पेपर रद्द कर दिया जाए, लेकिन अचानक तो ये पता चल रहा है कि पेपर रद्द कर दिया गया। नहीं, कैसे अचानक से पेपर रद्द हो गया, ये तो अचानक हम लोग अचंभित हो गए देख के इसको। ऐसा कुछ तो सेंटर पे हुआ नहीं था कि जैसे अराजक तत्व हों जिससे पेपर में वो दिखे कि पेपर हाँ रद्द हो सकता है, बिना कारण पेपर रद्द होना ये सही बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जा रहा है। उसके साथ साथ जैसे ARO का पेपर हुआ वो भी लीक हो गया, वो भी कैंसिल हो गया, कांस्टेबल का पेपर दिया वो भी लीक हो गया, वो भी कैंसिल हो गया। हम लोग क्या करें आखिर में, कहीं ना कहीं तो उसको करना ही पड़ेगा ना, हम लोग कब तक यहाँ पर तैयारी करते रहेंगे। परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी के साथ समझौता देश की एक बहुत बड़ी समस्या हो गया है। पेपर लीक की लगातार होती घटनाओं ने देश के स्टूडेंट्स के मन में एक दुखद स्थिति भर दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद UGC नेट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ में हैं और जिस प्रकार से UGC नेट परीक्षा रद्द करके CBI जांच की घोषणा हुई है, उसी प्रकार नीट UG परीक्षा की भी CBI जांच होनी चाहिए। नकल माफियाओं को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि कोई भी पेपर लीक जैसी घटना में संलिप्त होने से पहले 1000 बार सोचे, पेपर लीक की घटनाएं रुके, इसके लिए कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है और उतनी ही आवश्यकता है उनके इम्प्लीमेंटेशन की।